चलो एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए इस चैनल पर बना देते हैं। तो वेलकम बैक टू घमू सारण चैनल। एक बार फिर से काफ़ी दिनों के बाद पहले बच्चों को चुप करा के आती हूँ, उनके वीडियो की आवाज़ आ रही है। स्टार्ट, यहाँ से जाते हैं इस रूम में, यहाँ बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इधर रसोई है तो बराबर ही हुआ। यहाँ से जा रहे हैं, ये एक कमरा आ गया, यहाँ से जा रहे हैं नीचे वालों के, यहाँ पर हमें अगर ताका जाक करनी है तो जाली दिख रही है। यहाँ पर ये दूसरा कमरा बीच में आ गया था, ये तीसरा कमरा, यहाँ पर गेट और यहाँ बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद अभी भी जा रहे हैं यहाँ पर आए, और यहाँ से सीधी दिखती है रोड। ये देखो बाइक वाला गया, और इस तरह रोड दिखती है। और मेरी मम्मी जो है ना, कैसे कैसे कपड़े कहाँ सुखाने होते हैं, वो भी वैसे वैसे कपड़े वहीं वहीं सुखा देती, जहाँ जहाँ नहीं सुखाने होते। और कपड़े तो मैंने अंदर रख दिए, तो है ना, एक बार आपको है ना बता देती हूँ कि मेरे घर में कैसे सामान ला के फेंका है बच्चों ने, बच्चों की नानी ने। मैंने सोचा एक जगह लाला की पोटलियाँ बांध देंगे, फिर जो है आराम आराम से जमाते रहेंगे दो चार दिन तक। तो एक बार आपको बिखरा सामान बता देते हैं, फिर एक आराम से हाउस टूर करवाएंगे आपको। चलो एक बार दिखाते हैं क्या सामान कहाँ फेंका पड़ा बुरी तरह। जब जगह ज़्यादा होती है तो सामान को ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं। साइड में छत है जहाँ पर बहुत तेज़ तावड़ा पड़ता है, वो सामने ब्रिज के ऊपर से गाड़ियाँ जाती हुई आपको शायद दिख रही होगी। वो देखो ब्रिज, वहाँ से जाती हुई दिख रही है, ज़्यादा दूर नहीं है हाईवे। तो चलिए आपको दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ से क्या। ये तो इनकी फ्री अलमारी पड़ी थी, तो इसमें सारे जूते लाला के फेंक दिए। ये जूते कोई ढंग से रखे हुए नहीं है, ऐसे बस फेंके हुए। और इस रूम में पहले लाइट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये हो गई लाइट्स, अब आप लोग देखिए, थोड़ा अच्छे से देखिए। ये कपड़े पड़े हैं, ये कपड़े तो वैसे धुले हुए, अभी समेटेंगे, तो ऐसे चारपाइयाँ डाल दिए। ये कपड़े मेरी मर्ज़ी के बिना लाला के बच्चों ने, बच्चों की नानी ने इसमें भर दिए हैं, और ये बच्चों ने अपने भरे हैं जो कि समेटे हुए बिल्कुल नहीं है। तो मतलब आए हुए तो दो दिन हो गए हैं, लेकिन देखो मेरे को टाइम मिला नहीं, और बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से यह सारा सामान ला के यहाँ रखा कि यहाँ पर हम तैयार होंगे, पता नहीं कैसे होंगे। तो ऐसा सब कुछ हो रखा है यहाँ इस अलमारी में। मैंने पहले कुछ सामान रखा था नीचे, वो थोड़ा वो भी नानी ने ऊपर और रख दिया, बच्चों की नानी ने तो सारा बिगाड़ दिया, क्या करें। मुझे है ना, मेरा कोई काम ना करे तो चल जाए, लेकिन कोई काम बिगाड़ता है ना बहुत गुस्सा आता। अब यहाँ पर देखिए मशीन पड़ी है, कहाँ मशीन है, मतलब ये तो इसके पैर पैर ही है, मशीन पता नहीं कहाँ है। बच्चे ने बैग ला के यहाँ फेंका है, और ये इनके है ना, ये बोर्ड इतने ऊपर ऊपर है कि पहुंचा ही नहीं, फिर हमने ये वाला लगाया हमारा वाला। और रसोई तो आपको पता ही है, अब धीमे करो थोड़ा। ये एक रूम तो हमने खोला ही नहीं, इनके लॉक लगाया हुआ ही पड़ा है, हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम खोल देंगे। और इधर देखो, यहाँ पर ये चारपाई भरी हुई पड़ी है पोटलियों से, इधर नीचे पोटली पड़ी है, यहाँ मशीन पड़ी है। आपकी बाकी आपको सामने से दिखाऊं, ऐसा लग रहा है कि मोटा ताजा किराया देके पूरे घर के अंदर सबके कपड़े बिखेरने का जैसे कोई गेम खेल रहे हैं। अब वहां पर भी बच्चों के कपड़े हैं, यहाँ पर भी बच्चों के कपड़े हैं, वहां पर भी मेरे कपड़े हैं, यहाँ पर भी मेरे कपड़े रख दिए गए, वहां पर भी मेरे कपड़े रख दिए गए, ऊपर पता नहीं कैसी थैलियां पड़ी, यहाँ थैलियां ऐसे लटक रही है। ये मतलब ऐसे कर दिया सब कुछ, और किसने किया ये, और ये देखो पड़े हैं बस। लो जी फैन, बस फैन ऑन करो। और यहाँ पर मैं अखबार वखबार कुछ लगा के अच्छे से इनको सेट करती, पहले मेरे वहाँ पर कैसे किया हुआ था, तो इन्होंने ला के दे ठोक दिया। चलो अब भाई करना पड़ेगा, तो बहुत कर ली बुराइयाँ बच्चों की और बच्चों के नानी की और इस घर की, अब इसको सेट तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी करो। कैंपर रखने की अच्छी खासी जगह है, रसोई में रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये फालतू की है ना डस्टबिन, यहाँ ला के रख दी, यहाँ कौन रखता है यार, ये तो डस्टबिन रखने की जगह है पड़िंडे के अंदर, कुछ भी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बस ऐसे ही था कि इस घर में आए हैं तो एक पहला वीडियो तो इस चैनल के लिए डालें ही डालें। तो नॉर्मल मैंने इसकी हालत बता दी है,
और फिर आपको पूरा घर दिखाएंगे टूर में, यानी हाउस टूर पूरा पूरा सेट करने के बाद, तो वो आपको उस चैनल पे या इस चैनल पे कहीं पर भी मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।